मेरा लड़का बिना खर्चे बिना पर्ची के नौकरी लगा था। बीजेपी सरकार तो बहुत बढ़िया सरकार है। अब जो करंट दो तीन दिन पहले इन्होंने जो 24,000 नौकरियां निकाली हैं उसमें बिना पर्ची बिना खर्ची के जो इन्होंने युवाओं को रोजगार दिया था बहुत सराहनीय कार्य है। एक एक गर्मी से तीन तीन जने लग गए, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। नहीं तो हुड्डा के राज में हम देखा करते थे इस बात को, बिना एक अटैची भरे एक बंदे को भी नौकरी नहीं मिलती थी। हाथ पर काम नहीं करते इसके। अच्छा भाई, तीन चार साल से पैरालाइज है और धीरे धीरे इसके लगभग जैसे आंखों से दिखना भी बंद हो गया। जय कबीर जो संगठन है आज इस भाई की मदद के लिए यहाँ पे पहुंचा है। पैरालाइज से भाई जो है लाचार हो रहा है और काफी समय से क्या क्या दिखते हैं तमाम जो आपकी आपको जानकारी देवांगे। तो मास्टर जी राम राम। नमस्कार जी, कैसे हो? ठीक है जी, आप बताओ। और तो भाई का क्या कुछ दिक्कत आ रही थी? भाई तीन चार साल से पैरालाइज है और धीरे धीरे इसके लगभग जैसे आंखों से दिखना भी बंद हो गया, तो सभी अंग काम करना छोड़ रहे हैं। बहुत कोशिश करी है, शायद इनका दवाई असर नहीं करी कोई। अच्छा, हाथ पैर? हाँ, हाथ पर काम नहीं करते इसके। अच्छा अच्छा, तो कितने सालों से ये दिक्कतें चल रही? ये 4-5 सालों से इसका दिक्कतें हैं। तो हमें तो कम से कम ये इलेक्शनों में हमारी इनसे भेंट हुई थी और हमें पता चला था भाई पैरालाइज है, तो हमारे जो जय कबीर संगठन है हम सब ने आपस में बातचीत करके भाई को ये चेयर देने की मतलब कोशिश करी है। हमी ने जहाँ सारा संगठन मिल के हमने एक चेयर भाई को भेंट करी है। बिल्कुल, तो भाई सबसे पहला तो यही कहेंगे कि भाई जहाँ आप मंदिर मस्जिदा में भगवान ने खोजा, हाँ कहीं भगवान नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो भगवान सच्चे दिल के अंदर मिलेगा। और आज जो है ना मैं कबीर जो कबीर संगठन है, जय कबीर संगठन है, उनको दिल से सल्यूट करता हूँ। भाई उन्होंने भी जो है इस भाई की मदद करके ना जो है बहुत अच्छा काम किया है। शायद भगवान के अगर मंदिर में जाते वहाँ भी इतनी जो आत्मा ने शांति नहीं मिलती जितनी की यहाँ पर मिली है, क्यों मास्टर जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो गरीब तो है ना हर एक समाज में होते हैं, ये जरूरी नहीं भी समाज को समाज की मदद करना चाहिए। 36 बिरादरी में गरीब होते हैं, तो कोशिश सभी ने करनी चाहिए भी जिसकी जिस हिसाब से भी कोई हेल्प होती है, किसी की मदद होती है तो उस हिसाब से उसकी मदद करें। अच्छा मास्टर जी, सरकार की तरफ से भी भाई ने कुछ मदद मिली है अभी? सरकार की तरफ से अभी तक भाई को कोई भी मदद नहीं करी है। कोशिश तो भाई ने बहुत करी लेकिन लोग टरका देते हैं। सरकारी विभाग का तो आपको पता ही है कैसे चलता है, उसमें तो आज एप्लीकेशन दोगे तो एक साल के बाद मिलेगी, इतना तो भाई का पता भी नहीं। परमात्मा इनको लंबी उम्र दे लेकिन होश का कोई दुर्घटना भाई के साथ घट जाए, इतना फिर क्या फ़ायदा उसको? जो समय पर कोई चीज़ नहीं मिली, आज हमें भूख लगती है तो समय पर खाना नहीं मिला तो बाद में तो हम बीमार हो जाएंगे। फिलहाल की अगर इस सरकार की अगर हम बात करें तो लोगों का जो है साफ साफ शब्द में कहना है भाई बीजेपी सरकार जैसी कोई सरकार नहीं है, चाहे कि कामों को लेकर लगा लो या फिर जो आप युवाओं को रोजगार को लेकर लगा लो। बीजेपी सरकार तो बहुत बढ़िया सरकार है। अब जो करंट दो तीन दिन पहले इन्होंने जो 24,000 नौकरियां निकाली है उसमें बिना पर्ची बिना खर्ची के जो इन्होंने युवाओं को रोजगार दिया था बहुत सराहनीय कार्य है। एक एक गर्मी से तीन तीन जने लग गए, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। नहीं तो हुड्डा के राज में हम देखा करते थे इस बात को, बिना एक अटैची भरे एक बंदे को भी नौकरी नहीं मिलती थी। बिल्कुल, तो ये फिलहाल जो है आप अगर आपके गांव तक अगर हम बात करें तो कितने बड़का गई है? हर एक गांव से, जैसे मेरी ड्यूटी है निगाना में तो वहाँ से भी 4-5 जने लगे हैं और दुल्लेड़ी से भी कम से कम 20-25 जने लगे हैं, बजीना से भी कई जने लगे, हर एक गाँव से चार पाँच आदमी लगे हैं जो युवा साथी है। तो बीजेपी सरकार तो बहुत ही सराहनीय और अच्छा काम कर रही है, बहुत बढ़िया। तो भाई साहब आप क्या कुछ कहना चाहोगे जो सरकार के जो कामों को लेकर? महर्षि जिमी बिजना ने जो चीज़ बताई हैं भाई, बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया है और हमने जो हमारी मांग थी लंबे समय से जो लड़ाई चल रही थी डीएससी की वर्गीकरण की, और हमने बीजेपी सरकार से उम्मीदें थी और उन्होंने हमारी उम्मीदों को पूरा करने का जो काम किया उसके लिए हम बधाई के पात्र हैं, बीजेपी का शुक्रिया अदा करते हैं उन्होंने हमारा किया। और साथ ही में ये जो आज हम यहाँ पर गांव बड़ोला में इकट्ठे हुए हैं जय कबीर संगठन के माध्यम से, हमारा संगठन का एक ये कार्य है कि हम जहाँ भी
किसी भी समाज में DSC में हो चाहे और भी उसमें कोई भी गरीब है जो हमारे से जो भी सहायता होगी हम उसके लिए हमेशा तत्पर तैयार रहेंगे। तो भाई जिस प्रकार जय कबीर संगठन ने जो मदद के लिए जो आगे आए हैं और इस भाई की मदद करी है, ऐसे ही है हमारे समाज के अंदर और भी समाज सेविक संगठन है, वे अगर इसी प्रकार मतलब अगर सर्व समाज को लेकर के आगे आए किसी के लिए मदद करने के लिए, तो ये आपको जो है देखने को साफ साफ मिल जाएगा कि भाई लाचारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो उसी के साथ में और भी भाई हैं, तभी भाई आप कहाँ से भाई साहब? मेरा गांव केरपुरा है जी। केरपुरा से सुरेश कुमार। अच्छा, आप भी जय कबीर संगठन? जय कबीर संगठन से हो जी। तो कैसे, क्या कुछ आगे और क्या कुछ काम है जो आप करने की जो इच्छा आप लोगों की? भाई साहब, हम गरीब की मदद करना चाहते हैं और हम भी गरीब हैं, जैसी मदद होगी हम उसकी मदद देंगे। BJP सरकार बहुत अच्छी है जी, हमारा तन मन से जो वादा किया था वो पूरा कर दिया और आगे भी ऐसे ही चलते रहेंगे, हम BJP को ही अपना बना के रखेंगे। अंकल जी क्या कुछ कहोगे आप? देखिए जी, जो BJP सरकार है उसने बहुत बढ़िया काम किया है और आज से नहीं, जब 2014 से BJP सरकार 1914 से आई है तब से काम कर रही है बढ़िया। मेरा लड़का बिना खर्चे बिना पर्ची के नौकरी लगा था। अच्छा। हाँ जी, 2018 में। आप भी मतलब BJP जो ये बेस्ट स्कीम है उसके पात्र हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो भाई फिलहाल जो है अगर सरकारों की बातों को छोड़ करके अगर हम जय कबीर युवा जय कबीर संगठन की अगर हम बात करें, तो भाई ऐसे ऐसे समाज सेविक संगठन हर ब्लॉक हर गांव सत्र पर ऐसे ऐसे समाज सेविक संगठन होने चाहिए जो ऐसे ऐसे भाइयों की लाचार भाइयों की मदद कर सके और अपने देश को ऊपर उठाने का काम करे, विकास कराने का काम करे। सभी साथियों को नमस्कार और अचार धमाका के सभी दर्शकों को नमस्कार। भाई मंजीत का जो बार बार हमारी मदद के लिए जब बुलाते हैं पहुंच जाते हैं, तो मैं पूरे संगठन की तरफ से भाई मंजीत का भी धन्यवाद करता हूं। देखो भाई, अब मैं नहीं पूछता, आपके नहीं। जो काम है वे बुलाते हैं, आपके जो अच्छाई के काम है वे बुलाते हैं, मैं नहीं पूछता कभी भी। देखो संगठन जो होता है किसी एक आदमी का नहीं होता है, नई संगठन को चलाना किसी एक बस की बात होती है भाई। संगठन तो एक समूह होता है जिसके अंदर किसी की सहयोग करने की जो भावना होती है ना, वो लोग अपने आप संगठन को ढूंढ लेते हैं और संगठन में जुड़ जाते हैं। तो जो हमारा संगठन जय कबीर संगठन है ये हमारे हर हल्के में काम कर रहा है और जो हमारे साथी हैं विभिन्न हल्कों से जुड़े हुए हैं। तो हमारा यही है मिशन कि समाज के अंदर जो बुराइयाँ हैं उनको ख़त्म करना, और जैसे कि एक हमने जो बीड़ा उठाया हुआ है, जैसे कि हमारे समाज में कोई लड़की होती है उसका जैसे अब तलाक वगैरह हो जाता है तो उसमें जो उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं, तो हमारा एक मेन उद्देश्य यही होता है कि हम सभी मिलके वहाँ पर पहुँचे और उस पर दोनों परिवारों को जो है ना इस खाम खाम के झमेले से बचाएं और उसका उनका टाइम बचाएं और परिवार को एक एकता सूत्र में बांधने का हम काम करते हैं। और इसी प्रकार जैसे कि कोई बच्चा है वो गरीब परिवार से है, पढ़ाई में टैलेंटेड है, तो उसका जो परिवार है उसकी खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाता, जो भी हमारे समाज से जो भी कुछ होते हैं मैं उसकी हेल्प करते हैं। इसी प्रकार शिक्षा के मामले में भी हम यही, सबसे पहले मैं हर समाज को ये सूचना देना चाहूँगा, अपील करता हूँ कि हमें जो है हमारे पर्सनल खर्चे वो कम करके और वाहियात के जो खर्चे हैं उनको कम करके, जो शिक्षा है अहम चीज़ आज के समाज के अंदर, शिक्षा सबसे ज़रूरी चीज़ है, तो हम शिक्षा के ऊपर विशेष करके ध्यान देते हैं। जैसे कि आज मैं इस सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा बहन श्रुति चौधरी को, जिस BJP सरकार ने कैबिनेट मिनिस्टर बनाया है, तो मैं पूरे संगठन की तरफ से हमारे मुख्यमंत्री हमारे जो प्रधानमंत्री हैं PM मोदी जी का और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का और हमारे जो MP सांसद हैं चौधरी धर्मवीर सिंह जी का और पूरे हमारे संगठन की तरफ से सभी का धन्यवाद करते हैं। जो बहन सुरित्य को ये कैबिनेट में मंत्री बनाया है, इसके लिए हमें पूरी भाजपा टीम का धन्यवाद करते हैं। और जो और भी आगे जो हमें जैसे जैसे किसी भी समाज में कोई भी जो लायक आदमी है, जो लाचार है, वो किसी भी समाज में हो सकता है, हम किसी ये एक समाज में नहीं होता, कोई भी लाचार आदमी मजबूर हो वो कहीं पर भी हो सकता है। तो हमारी टीम हर उस इंसान तक पहुंचने की कोशिश करती है, जैसे कि किसी परिवार में भगवान ना करे फिर भी कोई घटना ऐसी घट जाती है, जो परिवार का मुखिया होता है वो लाचार हो जाता है या नहीं रहता इस दुनिया में, तो उसका जो परिवार का खर्चा होता है उस महिला पर जाता है, तो महिला वो अपने परिवार का गुजर बसर करे या उसको जो लड़की की शादी लायक होती है वो उसका खर्चा नहीं कर पाती हो, तो हमारे जो समाज है जो हमारा जो संगठन है वो इकट्ठा होकर वहाँ पर जाता है और जैसे भी हमसे मदद हो पाती है हम उस परिवार की मदद करते हैं। हमारे संगठन का यही एक मेन उद्देश्य है।
बिल्कुल। तो भाई और भी जो है हमारे भाई हैं उनसे यही कहेंगे भाई इसी प्रकार अगर हमारे हरियाणा के अंदर हर ब्लॉक और गांव सत्र के हिसाब से अगर ऐसे ऐसे संगठन अगर आए तो मैं ये कहता हूँ हरियाणा का पूर्ण रूप से विकास आपके हाथों में होगा और ऐसी जो है आपको कोई भी गरीब अवस्था में लाचार आदमी नहीं मिलेगा क्योंकि उसकी मदद के लिए नर सेवा नारायण सेवा ऐसे ऐसे संगठन साथ में खड़े मिलेंगे। भाई साहब नमस्कार जी, मैं मास्टर हरिपाल सिंह गांव बारीवास से, हम जय कबीर संगठन हल्का तोसाम के सदस्य हैं और हम बहुत सारे गांवों के अंदर भी गए हैं, लोगों को जागरूक किया है, समाज के लोगों को भी जागरूक किया है कि इस तरह की कुछ समस्याएं आती हैं समाज के अंदर, जैसे कि राजेश कुमार जी ने बताया था कोई पैरालाइज का शिकार हो या किसी अवस्था में सारा घर का भार महिला के ऊपर आ जाता है या फिर परिवार में आपसरी जो पारिवारिक विवाद है वो थोड़ा सा तूल पकड़ जाता है, तो इन सारी समस्याओं के संबंधित हम तत्पर रहते हैं समाज की सेवा करने के लिए। और हमने सरकार के लिए भी बीजेपी बहन श्रुति चौधरी के लिए भी हम लोग काफ़ी गाँव में गए हैं, वहाँ पर उनके प्रोग्राम भी करवाए हैं और हमारे समाज के जो लोग थे उन्होंने बढ़ चढ़ कर जो है बहन श्रुति चौधरी जी को अच्छे वोटों से विजयी बनाया उसको। तो हम जो हमारा लक्ष्य था सरकार से भी कि हमें डीएससी दिया जाए तो सरकार ने हमें डीएससी भी दिया, हम तहे दिल से सरकार का धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हमारी राज्य मंत्री किरण चौधरी जी, सांसद धर्मवीर जी, बहन श्रुति चौधरी जी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, इन्होंने हमारे हक में फैसला देके हमारे समाज के लोगों को एक नई राह दिखाई है ताकि हमारे समाज के बच्चे उस रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा सकें, अच्छी मेहनत करें और अच्छी मेहनत के बल पर वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें ताकि आने वाले समय में वे लोग भी जो है समाज की सेवा कर सकें। तो भाई तमाम जो है दर्शकों तो ये कहूँ भाई कमेंट के अंदर आप अपनी राय जरूर देना और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूले। जय हिंद जय भारत।